about to watch Super 30, and after that I will give you exact review on my channel. I'm here with one or two of my friends, Shubham and Kupal. Movie is about to start, and I'm hoping that it's one of the best movie, because it has been a long time after Kabil. 896 days. Yes, Ritik is coming on big screen after 896 days. So I'm excited, and I will continue my review in this video itself after watching the movie. Thank you. Hello friends, I'm back, and मैं देख के आ चुका हूँ Super 30 first day first show, and I'm about to share my experiences with you. बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, ऐसी कई मूवीज होती हैं जो आती हैं, चली जाती हैं, तीन घंटे हम जाके हंसते हैं, गुदगुदाते हैं, एंटरटेनमेंट अपना करते हैं, और उसके बाद हम उन्हें भूल जाते हैं. बट Super 30 उन मूवीज में से नहीं है. Super 30 एक ऐसी मूवी है जो आपके साथ आपकी जिंदगी भर रहेगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपके हर मोमेंट पर आपको इनकरेज करेगी और आपको हिम्मत देगी. ये तो मेरी एक शॉर्ट स्टोरी हो गई जो Super 30 की मैंने आपको बताई है कि ये एक इंस्पायरिंग मूवी है. मैं आता हूं इसकी स्टोरी पे. स्टोरी शुरू होती है आनंद कुमार के वन ऑफ द स्टूडेंट्स फुग्गा से, जो बाहर है विदेश में, और इंडिया के बारे में उसको वो बता रहा है कि इंडियंस क्या हैं और क्यों हैं, और आनंद कुमार के जो उसके टीचर रहे हैं उनके बारे में बता रहा है. ये स्टूडेंट है फुग्गा, इनको प्यार से नाम कहा जाता है. ये वो हैं एक्टर जो आपने देखे होंगे गली बॉय में, जो रणवीर सिंह के दोस्त बनते हैं, जो ड्रग्स का जो बिजनेस करते हैं वो. और फिर ये कहानी शुरू होती है कि जो आनंद कुमार है एक बिहार का एक लड़का है, गरीब घर का है, जिनके पिताजी जो है वीरेंद्र सक्सेना, ईश्वर उनका कैरेक्टर का नाम है, और उन्होंने वो एक डाकिये हैं, पोस्टमैन हैं, गरीब परिवार से हैं, लेकिन आनंद के जो सपने हैं काफी बड़े हैं. आनंद शुरुआत से ही BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते हैं ट्रेन से, 4 घंटे ट्रेवल करके. क्यों? क्योंकि उनको BHU की जो लाइब्रेरी है, वहां की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना रहता है, उनमें जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना होता है, लेकिन BHU में कोई बाहर का स्टूडेंट अलाउड नहीं है, तो वहां से इन्हें धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है. वहां पर आनंद प्रोटेस्ट करता है और कहता है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है, बट कि शिक्षा पर सबका अधिकार नहीं है, शिक्षा पर सिर्फ चुनिंदा अमीरों का अधिकार है, जैसा उस समय बताया गया है. लेकिन वहां का एक प्यून वो हेल्प करता है उनकी, और बोलता है, कहता है कि अगर आपको ये जर्नल की जो किताब है, अगर वो आपको लाइफ भर के लिए चाहिए फ्री में और पढ़ना चाहिए आपको, तो आप एक ऐसा आर्टिकल लिखें जो इसमें सेलेक्ट हो जाए. अगर आपका आर्टिकल इसमें छप जाता है आनंद जी, तो आप ये जो किताब है हमेशा के लिए रख सकते हैं और हमेशा आपको ये किताब मिलती रहेगी. और ये कहानी जो है, जो प्यून की जो बात होती है, वो इंस्पायर करती है आनंद को, और आनंद थ्योरम्स को सॉल्व करता है और उसको भेजता है कैम्ब्रिज, लंदन, ताकि वहां से इनको अगर आर्टिकल सेलेक्ट हो जाएगा ये वो किताब पढ़ पाएंगे. और फिर जो इनके पिताजी हैं ईश्वर, वो आते हैं और घर पे जो है उनको बताते हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है कैम्ब्रिज में, और अपने PF का पैसा, क्योंकि सिलेक्शन तो हो गया, आप जाएं कैसे, उसके लिए पैसा कहां से आएगा. तो उसके लिए इनको किसी ने वादा किया होता है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा क्या वादा किसने किया है, वो आप मूवी में देखें, लेकिन वो वादे से मुकर जाते हैं. और ईश्वर जो एक पोस्टमैन है, वो इस खुशी से पागल है कि उनका बेटा कैम्ब्रिज जा रहा है, पूरे जो इनका लोकेलिटी है, पूरा जो टाउन है, वो आनंद कुमार को ये तो इस तौर पे देख रहा है कि ये जो बंदा है वो कैम्ब्रिज जा रहा है, लेकिन एट द एंड वो कैम्ब्रिज नहीं जा पाता क्योंकि पैसे की कमी के कारण. और पैसे की कमी के कारण इनकी लाइफ में, इनकी फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. गाइज, इसमें डायरेक्टर ने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सीन है, जब हम बचपन में साइकिल चलाया करते थे, हम पैडल मारा करते थे, और पैडल जब मारते थे कई बार होता था कि जो चेन है अगर वो ढीली है तो वो उतर जाती है. लेकिन इसमें जो ईश्वर है, वो उस चेन, जो इनके पिताजी हैं आनंद के, वो उस चेन को जैसे ही वो उतरने वाली होती थी, वो बैक करके उसको वापस ले लेते हैं और फिर आगे कर लेते हैं. ये एक इतना बारीक सीन है, और ये कहां जाकर ये सीन एंड होता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और आपको मतलब आपकी आईज से जो है वो टीयर्स निकलवा के रहेगा. और जैसा मैंने बताया, कैम्ब्रिज नहीं जा पाते आनंद, फिर आनंद अपनी दूसरी जर्नी पे जाते हैं. वो जर्नी थी गरीबी से लड़ने की,
और उसके लिए वो आनंद जो है वो पापड़ बेच रहे हैं। ये पापड़ बेचने का जो सीन है वो एक, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जो ऋतिक है वो आनंद जो है वो पापड़ बेच रहे हैं, एक कहने वाली बात है, लेकिन जिस तरीके से इस फिल्म, इस सीन को फिल्म में पिक्चराइज किया गया है वो काबिले तारीफ है। डायरेक्टर, जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक, कॉस्ट्यूम, लोकेशन, वो सब 101% बेस्ट है। इससे बेस्ट हो नहीं सकता था वो जो सीन है। लेकिन फिर एक और टर्निंग पॉइंट आता है आनंद की लाइफ, ये आनंद की बायोपिक है तो लाइफ के जितने भी टर्निंग पॉइंट है वो इसमें एड ऑन होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि मेहनत करने वाला आनंद के ऊपर भी पैसे का नशा चढ़ जाता है, और ये बहुत अच्छी चीज है जो मूवी में इसको दिखाया गया है, वरना आजकल की बायोपिक में अच्छा अच्छा दिखा देते हैं, बेकार बेकार नहीं दिखाते हैं। लेकिन आनंद के जो हाई पॉइंट और लो पॉइंट थे इस फिल्म में दिखाए गए हैं, जिसके लिए मैं आनंद कुमार जो है उनको शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने छुपाया नहीं कि वो कब घमंडी हो गए थे, कब वो पैसे के नशे में आ गए थे। उन्होंने वो छुपाया नहीं, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो उनका जो हार्ट चेंज होता है वो देखना काफी आपको इंटरेस्टिंग रहेगा। मूवी में काफी कॉमिक सीन्स हैं जो आपको बहुत देर तक हंसाएंगे। मूवी में कई ऐसे भी सीन्स हैं जहां आप हंस भी रहे हैं, आप रो भी रहे हैं, आप प्राउड भी फील कर रहे हैं, और इसका क्रेडिट मैं दूंगा विकास बहल को, डायरेक्टर को, जिन्होंने इतने प्यार से मूवी को बनाया है। ऋतिक रोशन के बारे में मैं आखिरी में बात करूंगा, क्योंकि इनके बारे में बात करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। इसकी जो बाकी कास्ट है, वीरेंद्र सक्सेना जो इनके पिताजी के रोल में है, वो एक आइडियल फादर है। मतलब हर कोई चाहेगा कि उनका पिताजी जो है वो जैसे सुपर 30 में आनंद कुमार के पिताजी हैं ईश्वर, वैसा हो। आनंद कुमार का जो छोटा सा रोल है वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अमित साद छोटा सा रोल है लेकिन इम्पैक्टफुल है। आनंद के भाई के रूप में जो दिव्यांशु सिंह जो है, उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो आपको अपने भाई से लड़ाई करने पर मजबूर करेगा, क्योंकि भाई आप इसके जैसे क्यों नहीं है। इनकी माँ ने काफी अच्छा रोल किया है। और पंकज त्रिपाठी के तो क्या कहने, उनके बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। छोटा रोल है, इम्पैक्टफुल है, और काफी उनके जो डायलॉग्स हैं उस पर काफी वर्क किया है जो डायरेक्टर हैं, और उनकी तो जो परफेक्शन है उसके बारे में हमें कुछ कहना नहीं है, बहुत अच्छा रोल किया है उन्होंने। मृणाल ठाकुर, छोटा रोल, प्यारा रोल और क्यूट सा रोल है, और इनकी जो लव स्टोरी है वो आपको एक लगेगा कि एक मोमेंट पे ये लव स्टोरी खत्म हो गई है, लेकिन जहां ये जो आप जिसको सोचते हैं खत्म हो चुकी है, लेकिन जब वो वापस आती हैं उनके लाइफ में थोड़ी देर के लिए, वो सीन आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि व्हाट इज ट्रू लव, कि ट्रू लव होता क्या है। सुपर 30 में एक पिता पुत्र का रिलेशन हो, एक पिता और एक भाई भाई का रिलेशन हो, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन हो, एक माता और उसके बेटे का रिलेशन हो, और एक आपके जो लव है, आपके जो पार्टनर है उसका रिलेशन हो, सबको इतनी प्यार से दिखाया गया है कि मेरे को नहीं लगता इससे पहले किसी मूवी में इतना इसको स्कोप से और इतना डीप से इसको समझाया गया है। कास्ट जो है पूरी फिल्म की बहुत ही प्यारी है। कई बड़े बड़े एक्टर्स हैं जो आप जब जाएंगे और बोलेंगे अरे इनका तो इतना सही रोल था क्या, बोला हाँ इतना सही रोल है। 5-5 सेकंड के रोल हैं किसी के, जो बड़े बड़े एक्टर हैं 10 सेकंड के रोल हैं, 30-30 सेकंड के रोल हैं उनके, बड़े बड़े एक्टर्स के, जो मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहूंगा आपको, आप जाएंगे देखेंगे। मूवी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, इंस्पायर करती है। फैमिली के साथ जाइए, क्योंकि अगर आप फैमिली के साथ जाएंगे तो आपकी फैमिली में और प्यार बढ़ेगा। मूवी जाइए, एंजॉय करिए, ऐसी मूवी बार बार नहीं बनती है। खासकर बड़े एक्टर्स जो हैं वो ऐसी मूवी कम बनाते हैं, उनको चाहिए कि भैया कमर्शियल मूवी हो, खूब पैसा कमाए। किसी एक्टर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक साल में 3-3, 4-4 मूवी कर देते हैं, खूब पैसा बनाते हैं, लेकिन उनके जो मूवी करने का वो जो स्टोरी नहीं तो कोई इंस्पायरिंग नहीं रहती है। सुपर 30 इंस्पायरिंग है, इनकरेजिंग है, पावर देती है, और आपको एक बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करती है। ऋतिक रोशन की बात करें, ऋतिक जवानी के दिन जहां पर इनका स्मॉल मुस्टैच लुक है परफेक्ट, उस समय इनके डायलॉग डिलीवरी बहुत शानदार। जब इनके पास पैसा आता है उस टाइम जो एटीट्यूड वाला रोल करना था 100% किया है, लग रहा है कि हाँ बंदे में पैसे का नशा है। और लास्ट मोमेंट व्हेन ही ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ टू अ टीचर, जहां वो एक पूरी तरह से टीचर बन गए हैं, वो
आपको सोचने में मजबूर कर दे, आपकी लाइफ के जितने भी टीचर थे आपकी आपको ऋतिक उनमें दिखने लगे, ऋतिक की शक्ल उन सभी टीचर्स में आपको दिखने लगेगी। और जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसका जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ऋतिक और कास्ट के बाद, वो है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। एक बैकग्राउंड म्यूजिक है जहां पर विद्या वर्ड यूज होता है, विद्या देती विनयम, वो जहां जहां यूज किया गया है वहां वहां आपके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। इवन नाउ मैं उसको याद करके जो सोच रहा हूं तो मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे, गुजबम्स मिल रहा है, क्योंकि वो इतना इतना डीप है वो। और एक और बैकग्राउंड म्यूजिक है जब जो जब भी हाई पॉइंट आता है मूवी में, वो बैकग्राउंड म्यूजिक है जब आप देखेंगे आपको खुद एहसास होगा कि मैं कौन से बैकग्राउंड म्यूजिक की बात कर रहा हूं। तो ऑल इन ऑल मूवी इज फैंटास्टिक, इट्स अ फैमिली फिल्म, अपनी फैमिली के साथ जाइए, इंकरेज हुई, इंस्पायर हुई और दूसरों को इंस्पायर करिए। आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा बताना ना भूलें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, एंड गो फॉर सुपर 30, ऐसी मूवी कम बनती हैं।